लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ छोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई जूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज न करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज न करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट
आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जला कर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर, हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है, मैंने कहा जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो जिंदा है या मर गया है। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ न हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है, हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। तीन बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है। उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं।